अब्दुल्ला वॉज नॉट रिएक्टिंग टूवर्ड्स द साउंड्स, किसी भी आवाज से उठ नहीं रहा था, किसी भी शोर से नहीं उठ रहा था। वो रात सारी चीजें बजाई, अब्दुल्ला को उठाने की बहुत कोशिश की कि अब्दुल्ला किसी भी आवाज से उठ जाए, लेकिन अब्दुल्ला किसी भी आवाज से नहीं उठा। वो रात वो मिजरेबल ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। ऑडियोलॉजिस्ट पे जब मैं गई तो उन्होंने कहा इसका एक टेस्ट होगा। जब वो टेस्ट करवाया और उसने बताया कि लॉस तो बहुत ज्यादा है, लाइक इतना ज्यादा लॉस है कि शायद जहाज की आवाज भी शायद ही सुन ले। फिर आई जस्ट वेंट थ्रू द कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी। में ये जगह सारी ड्रिल कर कटेगी, अंदर ड्रिल होगा, अंदर एक बेड बनेगा और उस बेड के अंदर इनर डिवाइस फिट होगी। कॉकलियर के बाद जर्नी बहुत आसान नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक। मुझे अंदाजा हो गया था कि स्पीच थेरेपी बहुत जरूरी है, अगर स्पीच थेरेपी नहीं होगी तो बच्चा नहीं बोलेगा। ईमान के साथ क्या हुआ? सेम स्टोरी, अल्लाह के कहते हैं ना किस किस नेमत को जुटलाएंगे हम। इतने से हेयर से बाल थे जिसकी ग्रो नहीं हुई कान के, जिसकी वजह से ये मसला आ गया था। बताया इन्होंने कि आपको ये मसला था, यानी आपको खुद किस तरह से ये सारा एहसास हुआ? नहीं, मेरा एक आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। मैं अक्सर अपनी माँ को वाकया सुना दूंगा कि यार मैं 3 इयर्स का था, आपने इस तरह मुझे डराया था, इस तरह आपने मुझे ये किया था, इस तरह आपने मुझे वो किया था। अब्दुल्ला से दोस्ती है आपकी? थोड़ी बचपन में मैं और अब्दुल्ला इतना लड़ते थे कि हमारे कोई हाथ नहीं। मैं तरस गई भी थी अब्दुल्ला के मुंह से कोई भी लफ्ज सुनने के लिए। पहली मर्तबा जब बोला वो तो दैट वाज अ प्रीशियस मोमेंट ना, कि अब्दुल्ला ने जब नाना बोला तो वो तो बियॉन्ड एवरीथिंग था।